विकास खंड हसेरन की गलियों में गंदगी का इस कदर अंबार लगा है। स्कूल जाने वाले नौनिहाल की चरसे होकर निकल रहे हैं। विकास खंड में ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल निकासी की समस्या को लेकर पीड़ित ग्रामवासी में कई बार उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकला। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं। नौनिहाल बच्चों के परिजनों का कहना है, जब हम घर पर होते हैं सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ता इतना खराब है कि किसी भी समय बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कीचड़ से निकलते समय बच्चों की स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है। अब देखना ये है कि शासन व प्रशासन इस और क्या सख्त कदम उठाते हैं, या फिर ये नौनिहाल कीचड़ से निकल कर ही विद्यालय जाएंगे। रिपोर्टर दर्शन राजपूत, इंदरगढ़। आप रोज ऐसे ही निकलते हैं? क्या भरा पड़ा है? आने जाने में दिक्कत होती है? जैसे मैं हमने मुख्यमंत्री का एक नंबर है 76 पे भी कॉल की और 2 महीने से लगातार कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताए कार्य योजना में डाल लिया और प्रधान से भी कहते वो भी नहीं सुन रहा है। 100 पाठक का नंबर है, उस पर भी मैंने कॉल की 2 महीने से। सांसद जी का तो उन्होंने भी नहीं कुछ किया और हम प्रधान से भी कहते वो भी नहीं कर रहा। मेरे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन से बैठे हैं। आज हमने स्कूल की शिकायत आ रही है तो हमने तैयार करके भेजा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। हम घर पे रहते तो निकाल देते हैं, नहीं तो वे घर बैठे रहते हैं। गली में कुछ हो नहीं रहा, बरसात में पानी देखो भरा पूरा हुआ है सामने।